बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, आज आए हुए थे छत पे, तो कल की जो है ना, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कबूतर तो है, हम लड़ा रहे थे। तो कल मैं आया था छत पे, तो वो कल की जो रिपोर्ट नहीं थी, वो थी परसों की रिपोर्ट। तो कल की जो रिपोर्ट ये थी कि उस भाई ने कल कबूतर खोले ही नहीं, क्योंकि भाई एक दिन आया था, आके उसने हमसे कबूतर लड़ाए, तो हमने भी लड़ाए, तो उसने हमारा एक देसी पट्ठा पकड़ लिया। मैंने बताया भी था वीडियो में, देसी पट्ठा पकड़ लिया और हमने घाघरा मार लिया उसका एक। उसके बाद उससे अगले दिन वो आया नहीं, तो शौक चला नहीं। तो मैंने कहा चलो अब भाइयों को दिखाता शौक चलता, तो आए हुए थे और किसी ने भी इस टाइम कबूतर नहीं खोले हुए। तो एक भाई पूछ रहे थे, उस्ताद यार कबूतर के जोड़े जो है ना, जोड़ों का शौक कराओ, जोड़ों की क्या खबर है। तो मैंने कहा चलो जोड़ों की भी जो है ना आपको शौक करवा देता हूँ, जोड़ों की जो क्या पोजीशन है वो भी आपको दिखा दूँ। तो देख लो यहाँ पर इस जोड़े ने एक बच्चा निकाला हुआ है, ये एक बच्चा। बाकी गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा की वजह से जो है ना अंडे ख़राब होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है दूसरे नंबर जोड़े पर भी, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो वैसे जोड़े जो है ना, मेरा इरादा है कैंसिल करने का। तो इस जोड़े ने भी मेरे ख्याल में बच्चे निकाले हुए हैं, हो सकता है बच्चे निकाले होंगे, मैं दिखा दूँ आपको। हाँ, इसने बच्चा निकाला, एक ही बच्चा निकाला है इसने भी, इसने भी एक अंडा मेरे ख्याल में ख़राब कर दिया, एक बच्चा निकला इसका, ठीक है ना। तो इस जोड़े को वैसे ही जो है ना, इसके जो है ना पर पूरे आ रहे हुए हैं, नर के और मादे के भी पर पूरे हैं। तो इनको भी हम उड़ाएँगे, लड़ाएँगे इनको, जोड़े असल में हटा दूँगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं है, इतनी सेटअप नहीं है छत पर। तो इसने भी जो है ना दो बच्चे निकाले हुए हैं, इसके बच्चे जो है ना बहुत अच्छे आ रहे हैं, बनारसी टाइप में आ रहे हैं, बनारसी टाइप में जो है ना बच्चे आ रहे हैं, इसके बच्चे अच्छे आ रहे हैं इसके। तो ये नर है, पीछे मादा खड़ी हुई है। तो इसके भी पर मैंने खींच जो है ना, पर इनके मैंने जो है ना खींच दिए थे, ताकि इनको जो है ना अच्छा दाना दे रहा था, पर मैंने खींच दिए थे। अब पर पूरे कर रहे हैं कबूतर, क्योंकि ऐसे नहीं पर खींच जाते, पर अगर खींचोगे तो कबूतर का दाना शार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए इनको तो दाना अला तूल मिल रहा है। तो इस जोड़े ने भी मेरे ख्याल में बच्चा निकाला हुआ है, मेरे ख्याल में एक बच्चा निकाला है कि दो निकाला है, वो भी मैं देख लूँ। हाँ, इसने भी एक ही बच्चा निकाला हुआ है। तो इस बार जो है ना अंडे जो है ना, गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि सेटअप छत पे लगा हुआ है ना, तो गर्मी में जो है ना हीट होने की वजह से, ज़्यादा हीट की वजह से जो है ना अंडे जो है ना ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो है ना, जैसे ही मौसम अच्छा होगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो बाकी कबूतर खुले हुए, हाँ तो अभी भाई ने वो एक शरबती डाला है ना, एक शरबती डाला है, और एक ये तो इसने जो है ना कबूतर ने पर पूरे किए हुए, तो इसको भी मिला देंगे। बाकी है लेकिन दो कली बाकी है, जब इसको जल्दी छोड़ेंगे, इसको भी जो है ना अभी उड़ा के लड़ाना शुरू करेंगे, कि ये कबूतर शाम में भी इसको भी लड़ाएंगे। नया कबूतर है ये, झाड़ में बैठा हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना, ये एक कबूतर जो है ना बीमार हुआ था, ये एक कबूतर जो है ना बीमार हुआ था, तो इसका इलाज चल रहा है। इलाज में ये कबूतर सही हो गया, अच्छा खासा सही हो गया। और ये जो पट्ठा है, ये कल हमने पकड़ा था, और वो एक काले देसी का बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये खबर है, एक पिंजरा छोटा सा रखा हुआ है छत पे, इसमें कोई कबूतर बीमार होता है तो उसको यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। बाकी ये अपनी सेटिंग है। तो बाकी एक पिंजरा वो खड़ा हुआ है आपके सामने है, एक पिंजरा ये खड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा पिंजरा ये खड़ा हुआ है बस। और इसमें जो है पट्ठे बैठे हुए हैं, बाकी अभी कबूतर खोले हुए थे, तो मैंने कहा चलो उड़ाएगा, चलो भाई अभी इनको उड़ाएगा, उड़ा के भी मैं दिखा दूँ आप भाइयों को। उड़ा दिए, उड़ गए कबूतर, ये देख लो। तो कल नहीं परसों यहाँ पर अच्छा खासा शौक चल रहा था, तो आज जो है नहीं, वो होता तो उससे लड़ाते कबूतर, लेकिन वो एक दिन आया, उसने खोले, उसके बाद कबूतर देखो सेट कर दिया, कबूतर उधर ही उड़ के जा रहा है उसकी छत पे, लेकिन वो भाई है नहीं अभी। फिर कबूतर को थोड़ा ढीला कर दिया है, ताकि आएगा तो फिर लड़ाएँगे, लेकिन वो है नहीं, तो क्या करें, ठीक है।
यहाँ ये शौक ऐसे चल रहा है वह हल्का फल्का, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना के ना आप भाइयों तक पहुँचा भी दूँ। तो बिठा लो बस, गर्मी भी है, अगर पिटाई करेंगे कबूतर तो आगे चले जाएंगे। हाँ वो भाई बोल रहे हैं वो खोलेगा ही नहीं, वो तो भाग गया बस, एक दिन आया था बस। हाँ कबूतर हमने ढीले कर दिए ताकि कबूतर उठते ही, पहले जा रहा था आगे, अभी कबूतर उठते ही आगे नहीं जा रहा, कबूतर उठते ही यहीं पर रुकता है। तो इसके लिए उसने देखा कि अभी कबूतर तो लड़ेंगे हर हाथ पे हाथ, तो इसके लिए वो आ रहा नहीं है। बाकी आपके सामने है कबूतर, देख लो आप, तो बिठा लो बस, बिठा लेंगे अभी इनको, फालतू में दाना खिला रहे हैं इनको। तो इसके लिए जो है ना ये है कबूतरों की कंडीशन आपके सामने है। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना के आप भाइयों तक पहुंचा दिया जाए शौक की, ठीक है ना। देख लें ये सारे कबूतर हैं, इसमें जो है बहुत से भाई बोलते हैं पंजाब से कबूतर लाते हैं कराची में लड़ता नहीं है। तो एक बात मैं बता दूं, इसमें पंजाब के मैंने कबूतर ला के मिलाए हुए हैं। आप देख लो ये जो है ना शराजी, ये पंजाब से मैं लाया था, ठीक है। ये एक पंजाब से आया हुआ कबूतर है और मेरे पास लड़ रहा है। एक ये कबूतर है, ये भी पंजाब का है। उसके बाद वो सब शराजी घूम रहा है, वो पंजाब का है। उसके बाद आ जाओ इसमें और भी होगा, हाँ एक बीच में वो एक घूम रहा है लालबंद सा, ये लालबंद, ये काला खैर है, ये भी पंजाब से लाया था मैं, ठीक है। उसके बाद जो है और भी पंजाब से लाया था, एक वो पंजाब से लाया था वो सरदपन, हाँ ये जो मुखिया मस्ती कर रहा है ये भी पंजाब से लाया था मैं, ये भी पंजाब से लाया हुआ कबूतर है। एक वो ऊपर बैठा हुआ वो पंजाब से लाया हुआ कबूतर है, ये भी बैठा हुआ, ये जो सुरखा सा, ये भी पंजाब का कबूतर है। तो पंजाब के कबूतर देख लो कैसे लड़ते हैं, यहाँ पर लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं लड़ते। बीच में मैं लाया था दुकान के लिए, तो बहुत से मैंने कबूतर बेच भी दिए थे, तो फिर मैंने कुछ कबूतर जो अपने घर के लिए रख लिए थे। तो वो कबूतर जो घर के लिए रखे थे, तो वो सारे कबूतर आपके सामने हैं लड़ रहे हैं। तो छत पे खोके के कबूतर थे, अब मैंने छत पे इनको लड़ा रहा हूँ, कबूतर कोई कमी भी नहीं कर रहे, अब देख लें आपके सामने हैं। तो मैंने कहा चलो आपको ये भी एक बात जो है बता दूँ कि पंजाब से अगर भाई कबूतर लाते हैं कराची में लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लड़ते, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक भी करना। तो वो कबूतर जो है ना अभी निकाला है ना उस पिंजरे से, वो कबूतर लालबंद, तो उसको लड़ाइयों में भी डालना है। तो इसके लिए वो कोने पे जाके खड़ा हुआ है, नज़दीक नहीं आ रहा, ठीक है। और ये कबूतर तो थोड़ा पुराना कबूतर है अपना, कोई टेंशन नहीं है वो कबूतर का। लेकिन अभी हमने वहाँ से जब पिंजरे से निकाल के ऐसे डाल दिया ना, तो इनका साजदम नहीं बना हुआ है। बाकी कबूतरों का जो है ना साजदम बना हुआ है, बाकी कबूतरों का साजदम बना हुआ है। और इसमें एक देसी भी बैठा हुआ है, वो देसी को भी बाहर निकालेंगे। एक देसी जो था ना, तो वो देसी जो है ना उसको भी छोड़ेंगे। पांच देसी तो इसमें पहले से घूम रहे हैं, पांच है छः, छः होंगे ना, छः होंगे देसी। अभी इसके पेपर पूरे हो चुके हैं, इसको भी छोड़ देंगे, लड़ाएंगे इसको भी, अभी लड़ाइयों में डाल देंगे, तो सात हो जाएंगे देसी, है ना, देसी सात, हाँ सात देसी हो जाएंगे। बाकी पट्ठे बैठे हुए हैं, पाँच छः पट्ठे बैठे हुए हैं, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी लड़ रहे हैं। बस सीज़न जैसे जवान होगा कबूतर लड़ने खड़े हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब भाइयों को दिखा दूँ घाघरे और देसी। आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है ना मेरा इरादा है देसी वेसी साथ ज़्यादा कर लेंगे, और इसमें जो है ना ये शराजी वराजी डाले हुए कुछ, ये रंगीन टाइप कबूतर, कबूतर सारे अच्छे। बीच में भाई ने बोला था यार इसमें से जो है ना 15 एक कबूतर जो है ना हटाएंगे, भाई ने बताया था। तो पता नहीं क्यों पालती आई नहीं थी, तो चलो कोई मसला नहीं है, अगर जब किसी को चाहिए होंगे तो बाद में हटा देंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसी भाई को चाहिए होंगे तो दे देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी ये कबूतर हैं, ये सारे कबूतर ही लड़ते हुए कबूतर हैं, और उसमें भी बैठे हुए हैं वो जो पिंजरे में भी कबूतर ज़्यादा बैठे हुए हैं, हाँ। और इंशाल्लाह इरादा है फिर मैं जाऊँगा पंजाब से कबूतर फिर लाऊँगा, कबूतर अच्छे वहाँ पर हट रहे हैं वहाँ से कबूतर लाएँगे, और यहाँ पर इंशाल्लाह खोल के लड़ाएँगे भी। और लड़ते हुए कबूतर लाओगे, देखो कहीं पर कहीं से भी लाओगे लड़ते हुए कबूतर तो वो जाएगा लड़ेगा, अगर अनलड़ा हुआ कबूतर उठाओगे तो वो कबूतर की कोई गारंटी नहीं होती कबूतर लड़ता हुआ है नहीं लड़ता हुआ। लेकिन कोशिश करें जहाँ से भी कबूतर उठाएं लड़ता हुआ कबूतर उठाएं, ठीक है ना।
तो भाई ने कहा चलो यार कबूतर उड़ाता हूँ। मैंने कहा उड़ा दो, उड़ गए कबूतर। तो भाई ने जो है ना ज़्यादा नहीं उड़ाते, थोड़े उड़ाते हैं क्योंकि कोई है नहीं, अकेले अकेले अपने कबूतर उड़ते रहते हैं। तो भाई ने उड़ा दिए, वो उड़ रहे हैं कबूतर। आने दो आने दो, कहाँ गया हुआ है ये देखे, वो गया हुआ है कबूतर, वो आ रहा है वापस, वो गया हुआ है कबूतर। आप भाइयों को नज़र आ रहा होगा, पर नहीं है ना, जिसकी वजह से कबूतर घर की तरफ भागते हैं। इंशाल्लाह फिर सीज़न जो पीछे कबूतर लगा हुआ है, किसका है वो पीछे। तो भाई ने वापस घुमा दिया, पीछे एक कबूतर आया हुआ था इलाके में, तो उसको थोड़ा कबूतर दिखाएंगे तो सही। उसका काम है, अगर कबूतर आ जाए इलाके में तो उसको कबूतर। कल इसमें से एक घाघरा निकल के गया था, बहुत लंबी चला गया था कल एक घाघरा, तो आ गया था एक घंटे के बाद आया था कबूतर का। कल थोड़ा दाना ज़्यादा किया था कबूतर का, तो सैदी आ गया था ना लड़ाने के लिए, तो फिर असल में इनको चिकनाव विकनाव तो कुछ ऐसी चीज़ें लग रही नहीं है, खाली झाड़ का ही दाना लग रहा है। हाँ आने दो आने दो, दोनों कबूतर नए कबूतर छोड़े हुए हैं, उनका साजदम है नहीं, तो दोनों कबूतर अलग हो गए। बाकी आप कबूतर देख लो आपके सामने उड़ रहे हैं, वो गए हुए हैं, वो उधर गए हुए हैं, वो उधर, वो दो कबूतर कहाँ गए, वो आ रहे आ रहे। दोनों दो कबूतर जो है ना, वो देखो वो ये एक ये आ रहा है, एक ये आया, एक दूसरा वो आया, वो आ रहा है पर बंद करके, पर ही नहीं बंद हो रहा उससे। हाँ वो कहाँ जा रहा है, आएगा ना, नया कबूतर है बस, आज आ जा पर बंद कर, बंद कर बंद कर बंद कर, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मार मार तोड़ मार तोड़। ये आया पर अभी पूरे हो चुके हैं, अभी ये कबूतर जो है ना उसको भी डाल दिया लड़ाई में, तो ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। वो कबूतर जो है बाकी कबूतर सुबह के हैं, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना और हमें दुआओं में याद रखना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।